सोमवार को आसान से इन उपायों को करने से भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी और भोले बाबा प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे और आपको होगा धन लाभ। जो जीवन में काम नहीं बने हैं वो अब आपके भोले बाबा ही बनाएंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवों के देव महादेव कि कुछ आसान से अचूक से उपायों के बारे में, जिनको करने मात्र से भोले बाबा हमारे सभी बिगड़े काम बना देंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारे भाग्य में नहीं होता है, जो हमारी कुंडली में नहीं होता है, वो केवल देवों के देव महादेव ही हमें दे सकते हैं। हमारा बिगड़ा भाग्य केवल हमारे भोले बाबा ही हमारा बना सकते हैं और उनको प्रसन्न करना भी बहुत ही आसान है। केवल एक लोटा जल सच्चे मन से भोले बाबा को अर्पित कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, सोमवार को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह दिन बहुत ही पवित्र है और इस दिन कुछ विशेष उपाय कर मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन यदि भोले बाबा की पूरे मन से आराधना की गई तो शुभ फल भी पाया जा सकता है और शिवलिंग की विधिवत पूजा से अनेक लाभ और फायदे भी बताए गए हैं। यदि आप हार गए हैं, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो आपकी बिगड़ी किस्मत को भी भोले बाबा संवार देंगे। महादेव की कृपा पाने की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए सोमवार का दिन अति पवित्र होता है। सोमवार को भोले बाबा की आराधना कर शुभ फल पाया जा सकता है और आपकी बिगड़ी किस्मत भी बन सकती है। पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करने से भक्त जनों के सभी कष्ट दूर होते हैं और इसके साथ ही कुंडली में यदि आपकी चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्र ग्रह ठीक नहीं है, तो वो चंद्र ग्रह भी आपका बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, क्योंकि स्वयं चंद्र देव भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान होते हैं। तो जब हम भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हमारे सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, भोले बाबा ही हनुमान जी का अवतार हैं। उन्होंने त्रेता युग में हनुमान जी का अवतार लेकर हमारे राम भगवान की मदद की थी। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं में भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में सोमवार को कुछ सरल उपाय कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको जानना अति आवश्यक होगा कि जब आपको आपके बिगड़े काम भोले बाबा से सुधरवाने हैं तो आपको उनकी पूजा अर्चना सच्चे हृदय से तो करनी ही होगी। तो कुछ उपायों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने और इनको जरूर करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, सोमवार के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे आपके ऊपर लगा पितृ दोष खत्म होता है। और सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होता है और उसमें शांति भी बनी रहती है। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, चंदन का तिलक लगाएं और शिव भगवान की पूजा करें। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भोले बाबा को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएं और एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा को अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफ़ेद फूल उनको अर्पित करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भोले बाबा को सफ़ेद फूल अति प्रिय होते हैं, तो आप भोले बाबा को सफ़ेद फूल और जो पीला फूल होता है वो भोले बाबा को अर्पित करें और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करें। सबसे अच्छा होता है दोस्तों, एक लोटा जल और एक बेलपत्री भोले बाबा को समर्पित करें। बेलपत्री समर्पित करने से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है, उसको मजबूत कैसे करना है, उसका उपाय जानिए। सोमवार के दिन यदि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5:30 के बीच उठकर या प्रदोष काल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, शिवलिंग की पूरे विधि विधान से पूजा करता है और भोले बाबा को 21 बेलपत्र अर्पित करता है और साथ ही शिवलिंग पर सफ़ेद फूल और एक लोटा जल अर्पित करता है, तो उसका चंद्र ग्रह मजबूत होता है और उसकी चंद्र ग्रह की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। सोमवार के दिन आप यदि शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं, इसके बाद गौरी शंकर रुद्राक्ष भी शिवलिंग पर अर्पित करें, तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होता है।
फिर घी शक्कर गेहूं के आटे का भोग भोले बाबा को अर्पित करें और प्रदोष काल में ही आप यदि इस दिन चावल दूध चांदी का दान करें तो वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यानी कि सोमवार के दिन आपको सफ़ेद चीज का दान जरूर करना चाहिए दोस्तों, इससे भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके ग्रहों की स्थिति भी सुधर जाती है। आर्थिक स्थिति यदि ठीक नहीं है, आपके जीवन में आपको धन की तंगी चल रही है, उसको ठीक करना है, मजबूत करना है, तो आप सोमवार को सूर्योदय के समय ही गन्ने के रस से मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपकी धन की समस्या खत्म होती है और प्रदोष काल में अगर शिवलिंग को शहद की धारा आप अर्पित करें, यानी शहद अर्पित करें, तो और भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। सुबह और शाम एक मंत्र तथा रुद्राक्ष की माला से यह मंत्र आप जाप करें, जो कि मंत्र है ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप करें मंदिर में ही बैठकर 108 बार, तो आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं भोले बाबा दूर कर देते हैं और आपके जीवन में धन की तंगी नहीं रहती है। सोमवार को प्रदोष काल में ही यदि भक्त अक्षत यानी चावल, सफेद चंदन और धतूरा, दूध, आंख और गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करें तो विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इन सामग्रियों के साथ कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर यदि बाबा को समर्पित किया जाए तो हमें बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धन की तंगी हमारे जीवन से बिल्कुल ही गायब हो जाती है। ये सभी चीज़ें भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानी गई हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, कोई आपकी दुकान है वो ठीक से नहीं चल रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो व्यापार में उन्नति की इच्छा पूर्ति के लिए शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध में से थोड़ी मात्रा में एक बर्तन में दूध को रख लें और फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरे सच्चे हृदय से 108 बार करें और व्यवसाय संबंधी परेशानी का इससे अंत होता है और बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आपको कच्चे दूध से भोले बाबा का अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और पंचामृत बनाकर लेकर के जाएं और शिवलिंग पर उसका अभिषेक करें, यानी भोले बाबा को अर्पित करना है। इससे आपके व्यापार में जो आ रही बाधाएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आप व्यापार में उन्नति भी करेंगे और आपके जीवन में धन की समस्याएँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें से आप एक भी उपाय करते हैं, आप सच्चे मन से भोले बाबा को याद करते हैं, उनको परेशानी बताते हैं, तो आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएंगी। जो आपको अब तक नहीं मिला है वो भोले बाबा आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जय बाबा नेम करो ये ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बाबा नीम करोरी, हर हर महादेव और जय सनातन धर्म की खटिया।